रामनवमी के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। योगी ने 151 कन्याओं को कराया भोज। गोरखपुर एयरपोर्ट में स्पाइस जेट के बोइंग विमान को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रामनवमी पर्व पर राप्ती कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। सिंगापुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अध्यक्ष ने फीता काट कर किया शुभारंभ। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग द्वारा एडवांस इन हेल्थ एंड वेब बिल्डिंग रिसर्च विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। वक्ताओं ने रखे अपने विचार। आतंकी फंडिंग में एटीएस ने सील किया नई मेंशंस इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड की दुकान। दुकानदार भी गिरफ्त में। गोरखपुर विश्वविद्यालय में वाणिज्य संकाय द्वारा 26 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में लगभग 65% हुआ पूरा। 2 दिवसीय निरायुद्ध मार्शल आर्ट जिला स्तरीय प्रतियोगिता का हुआ समापन। राज्य आमंत्रण महिला हॉकी प्रतियोगिता के लीग मैच में स्पोर्ट्स कॉलेज ने बनारस को 7-0 से रौंदा। और आतिफ कप वेटरन T20 टूर्नामेंट में होप क्रिकेट क्लब ने सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज को 4 विकेटों से हराया।